सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो फास्टवे अमृतसर खबरनामा। मैं हाँ नवनीत रंधावा। हुण एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। पंजाब सरकार राज दे लोकां नूं बेहतर सहूलत प्रदान कर रही है, आख्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने स्पोर्ट्स अकैडमी बारे लोकसभा सवाल पूछा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया। अते हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब सरकार राज दे लोकां नूं बेहतर सहूलतां प्रदान कर रही है अते लोकां लई कई स्कीमां दा ऐलान कीता गया है। इह विचार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रणजीत एवेन्यू विखे विधायक सुनील दत्ती दी अगवाई हेठ आयोजित रैली नूं संबोधन करदिआं सांझे कीते। मुख्यमंत्री ने रणजीत एवेन्यू विखे स्टेडियम दा वी नींव पत्थर रख्या। उन्हां आख्या कि 2022 च पंजाब च मुड़ कांग्रेस दी सरकार बणेगी। इस स्टेडियम लई 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके सांसद गुरजीत सिंह औजला, पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, मेडिकल सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर राजकुमार, मेयर करमजीत सिंह रिंटू, विधायक सुखविंदर सिंह डैनी, विधायक हरप्रताप अजनाला, विधायक तरसेम सिंह डीसी, पंजाब खादी बोर्ड की चेयरपर्सन ममता दत्ता, पंजाब स्टेट सीट्स कारपोरेशन के चेयरमैन जुगल किशोर शर्मा, पंजाब कांग्रेस के जनरल सकत्तर योगिंदर पाल टिंगड़ा समेत वड्डी गिनती च लोग मौजूद सन। आने वाले इलेक्शन दे विच असीं एक अच्छी आइडियोलॉजी लेके आवांगे, एक नवीं स्कीम लेके आवांगे। किस तरीके दे नाल सरकार नूं चलाउणा, किस तरीके दे नाल सरकार दा खजाना जिहड़ा साडा कर्जां दे बोझ थले आ गया उस नूं सैट करना है, वह लेके आवांगे। लेकिन ये 3 महीने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ, 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 20 ਲੱਗੇ, 50 ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਦੱਤੀ ਭਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਆਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਸਨ। ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੈਸੇ ਮਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਮੇ, ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੇ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਮੇ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਜੋ ਹਾਕੀ ਕਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਹੈ ਵੋ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸਮੇ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਮੇ ਮੈਡਲ ਜੀਤ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਈ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਦੇਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਲੱਤ ਸੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਮੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਮੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮ ਕਹੇ ਤੋ
लेकिन साथ ही साथ खेलों में भी पंजाब का बड़ा योगदान रहा है। एक लंबा समय आतंकवाद का दौर भी पंजाब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के युवाओं ने आगे आकर खेलों को बढ़ावा दिया। विशेष तौर पर हॉकी के क्षेत्र में देखा जाए तो पंजाब के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान भी है। और जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने कहा कि नशे से मुक्ति पाने के लिए 2017 का जब चुनाव हुआ तो उससे पहले यही वहाँ पर कहा गया था कि नशा मुक्त पंजाब करेंगे। मुझे लगता है पिछले 4.5 वर्षों में उस दिशा में कुछ कदम जरूर निश्चित तौर पर राज्य की सरकार ने उठाए होंगे ताकि युवाओं को नशे से मुक्त किया जा सके। जहाँ तक खेलों की बात है, मुख्यतः ये राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। लेकिन इसको और एम्प्लीफाई करने के लिए केंद्र सरकार अपनी अलग अलग नीतियों के माध्यम से इसमें योगदान देती है। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की माननीय अध्यक्ष की बात करूं तो अक्रेडिटेड एकेडमीज की बात, एक लंबी सूची है जहां अमृतसर से लेके रोपड़, मोहाली, बठिंडा, संगरूर सबके सूची भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकया। इस मौके उन्होंने कीर्तन सुनिया, सरबत दे भले की अरदास की। मुख्यमंत्री ने आख्या कि रूहानियत दे इस केंद्र ते आके मन नू शांति मिलती है। श्रोमणी कमेटी के अधिकारी भी उन्होंने नाल सन। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार सवेरे अचनचेत सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल वडाला पिट्टेविट का दौरा किया। सारे स्कूल का जायजा लैन अते बच्चों मिलन उपरंत उन्हें प्रिंसीपल की अगुवाई हेठ सारे अध्यापिका अते होर अमले वालों स्कूल की सही सांभ संभाल, सफाई अते विद्यक म्यार नू यकीनी बनाने लई शलाघा की। मुख्यमंत्री जमातों विच भी गए अते विद्यार्थियों नाल गलबात भी की। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। श्रोमणी अकाली दल बादल दे हलका दखनी दे इंचार्ज तलवीर सिंह गिल वालों वार्ड नंबर 6 दे अधीन आउंदे पंडोरा दे गुरद्वारा साहिब बाबा श्री चंद जी अते गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह जी विखे पहुँच के विकास कामां दे तहत गुरद्वारा साहिब की उसारी लई 50,000 रुपए के चैक पेट किए अते हर संभव मदद करन दा भरोसा दिता। इस मौके सरदार गिल ने आख्या कि चल रहे कामां नू जल्द तो जल्द पूरा किया जाएगा अते इन्हां कामां विच किसी भी किस्म की कमी नहीं आन दिती जाएगी। इस मौके अवतार सिंह ट्रकों वाले इंद्रजीत सिंह, पूरन सिंह समेत वड्डी गिनती संगतां हाजिर सन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरक कमेटी की हुई इकत्रता दौरान दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में श्रोमणी कमेटी तरफों नवा मैंबर नामजद करन दे अधिकार श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं सौंप दिते गए। इकत्रता मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दस्सिया कि दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी विच श्रोमणी कमेटी वालों एक मैंबर नामजद किया जाता है अते इस तो इलावा तख्त श्री पटना साहिब अते तख्त श्री हजूर साहिब विखे भी श्रोमणी कमेटी वालों नियमों अनुसार मैंबरां की नामजदगी होंदी है। उन्होंने दस्या कि इस संबंध में अंतरक कमेटी के अधिकार उन्होंने सौंप दिते हैं अते इस संबंधी जल्द ही नामजदगी की जाएगी। इस मौके सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विर, जूनियर मीत प्रधान प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह, जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजोली समेत कमेटी के सारे मैंबर मौजूद सन। आंतरिक कमेटी की पहली पलेठी मीटिंग से भावें साड़ी एग्जैक्टिव की मीटिंग जिहड़ा एजेंडा पहला जा चुका सारे नूं 10 तरीक की आ, पर 72 घंटे के नोटिस से अज पहली पलेठी मीटिंग की गई और बड़े सुखावे माहौल दे विच साड़ी जिहड़ी अज की मीटिंग, क्योंकि 72 घंटे के नोटिस से एक
पॉइंट एजेंडा होंदा इको मध रखी जाती है। दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण जुलाई अगस्त की हो चुकी है, उहदा प्रोसैस जिहड़ा एग्जैक्टिव बनदा प्रधान चोण दा वह हाले अधूरा पिया। तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ये उस एक्ट के प्रोविजन है भी एक असी नुमाइंदा अपना इतों उस दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भेजते हैं। तो सातों जिले दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के डायरैक्टर साहब ने चिट्ठी लिख के ये नामजदगी मंगी सी। तो उस वेले असी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने श्रोमणी कमेटी के नुमाइंदगी दिती सी और उन्हां दी नुमाइंदगी जिहड़ी ओह डायरैक्टर ने डिसक्वालीफिकेशन करती कि उस क्राइटेरिए दे विच इह मैंबर बनदे योग नहीं। कोविड 19 महामारी दौरान जिन्हां लोकां दी करोना वायरस कारण मौत हो गई सी उन्हां दे कानूनी वारसां नूं सरकार वल्लों 50,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। ADC रूही दुग ने दस्या कि इस संबंधी कानूनी वारसां वल्लों अर्जियां जिला प्रबंधकी कॉम्पलैक्स अमृतसर दे सेवा केंद्र विखे जमा करवाइया जा सकदियां हन। सरकार वल्लों कोविड एक्स ग्रेशिया दे विच हर परिवार दे मैंबर जिन्हां दी डैथ होई है कोविड करके उन्होंने 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देन दी सरकार वालों जिहड़ी स्कीम है उहदे अधीन असी फॉर्म जिहड़े हैगे हैं वह सारे परिवार के मैंबरां तो कह रहे हैं कि जिन्हां दे भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं वह फॉर्म जमा करा सकते हैं। इस दे वास्ते सेवा केंद्र DAC कॉम्पलैक्स विच काउंटर नंबर 7 है जिथे कि कंसर्न फैमिली मैंबरस अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। इस दे नाल ही जो डिस्ट्रिक्ट दी वैबसाइट है उहदे उत्ते फॉर्म ते उहदे नाल जिहड़े सानू जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उहदी भी इनफॉर्मेशन दित्ती गई है। सो सारे ही जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उन्होंने ये उन्हां दे लई इक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया हैगा कि वह सेवा केंद्र विच आके DAC वाले सेवा केंद्र विच काउंटर नंबर 7 ते अपने फॉर्म अलोंग विद जो भी जरूरी दस्तावेज़ हैं वह जमा करा देन सो दैट उन्होंने गवर्नमेंट वालों जो 50,000 रुपीज़ का जमा करवाने हैं वह तुरंत करवाया जा सके। साड़ी गुजारिश सारू है कि वह जिन्हें जल्द तो जल्द इस वास्ते अप्लाई कर सकते हैं आके वह सेवा केंद्र में अप्लाई कर देन। कल हालांकि छुट्टी है पर यह जी सर्विस हैगी है ये कल भी अवेलेबल रहेगी, कल भी आके लोग अपने जोड़े फॉर्म है वह जमा करा सकते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीद दिहाड़े मौके श्री अकाल तख्त साहिब तो गुरुद्वारा गुरु के महल तक नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छतर छाया अते पांच प्यारियां दी अगवाई सजाए नगर कीर्तन की आरंभता मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने अरदास की। सारे रस्ते नगर कीर्तन का निघा स्वागत किया गया। इस मौके श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, सीनियर मीत प्रधान प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह, जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजोली, कमेटी मैंबर हरजाप सिंह, रजिंदर सिंह मेहता, श्री अकाल तख्त साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, श्रोमणी कमेटी के सकत्तर सरदार महेंद्र सिंह समेत वड्डी गिनती संगतां मौजूद सन। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज की शहादत का दिहाड़ा जिथे विश्व भर दीआं संगतां मना रही उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों श्री अकाल तख्त साहब जी तो अज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की छत्र छाया हेठ पांच प्यारे सिंघां की अगवाई हेठ संगतां की हाजरी विच नगर कीर्तन आरंभ हो रहा ठीक 12 बजे। सो संगतां नूं सनिमर बेनती है कि भाई सतगुरु साहिब जी की शहादत नूं प्रणाम करते हुए नगर कीर्तन विच हाजरियां भरीए। चीफ खालसा दीवान के साबका प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा जिन्हों का बीते दिनी देहांत हो गया सी स्वर्गवासी सरदार चरणजीत सिंह चड्डा के निमित अंतिम अरदास गुरद्वारा 6वीं पातशाही रणजीत एवेन्यू विखे की गई अते कीर्तन होया। इस मौके पर मेयर करमजीत सिंह रिंटू, जिला अकाली दल बादल के प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दमनदीप सिंह, रजिंदर मोहन सिंह शीना, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निजर, सुखविंदर सिंह औजला, SGPC मैंबर भाई मनजीत सिंह, SGPC मैंबर बीबी किरणजोत कौर, कौंसलर सोनू दत्ती, एडवोकेट जसविंदर सिंह, गुरदीप सिंह कंधारी, प्रोफेसर जगदीश सिंह, सुदर्शन कपूर, जिला BJP के मीत प्रधान हरविंदर संधु, NS खुराना, लखविंदर पाल सिंह गिल, साबका कौंसलर अमरबीर सिंह टोट, SHO निशान सिंह, लाली टिंगड़ा समेत कई लोग मौजूद सन। उन्होंने सरदारनी हरबंस कौर चड्डा, हरजीत सिंह चड्डा और चड्डा परिवार नाल दुख सांझा किया।
कौंसलर विकास सोनी ने अपने गृह विखे लोगों नाल मुलाकात की अते उन्हां दीआं मुश्किलां सुनियां अते इन्हां दे हाल दा भरोसा दिता। उन्हां आख्या कि उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की अगवाई हेठ विधानसभा हलका अमृतसर केंद्र च विकास कार्ज करवाए जा रहे हैं अते लोगों दीआं मुश्किलां हल कीतीआं जा रही हैं। साबका मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने सरकार तो मांग की है कि कर्मचारियों दी मंगा वाल सरकार ध्यान देवे अते इन्हां कर्मचारियों दी मंगा छेती मन्ने। उन्होंने यह भी आख्या कि लोगों के विकास लई कार्य पूरे किए जान। रास्ते में चलते 108 एम्बुलेंस के बेचारे कर्मचारी वेतन को तरसते हैं, काम के घंटे बहुत ज़्यादा है, उनको डरा के रखा हुआ है। वो अपनी शिकायत भी करें तो उनको दंड मिल जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं बार बार अमरिंदर सिंह जी को भी और इनको भी वर्तमान सरकार को भी कह चुकी हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर मैंने गवर्नमेंट को कम से कम 6 बार लिखा है कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ सरकार ने बनाई हैं, वैसे ये सरकार के कुछ बड़े अफसर और कुछ पॉलिटिकल लोग इन्होंने मिलकर बनाई हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का मतलब ही हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा खून निचोड़ो, ना वेतन देना है, ना कोई ESI की सुविधा है, ना काम के घंटे तय है। जैसे ही चुनाव संहिता लागू हो गई, ना कोई घोषणा होनी है, ना गवर्नमेंट ने हाथ से कोई दे पाना है। तो एक ही प्रार्थना करती हूँ भारत सरकार से भी, पंजाब सरकार से भी, सभी राजनीतिक दलों से, हमें भिखारी मत बनाइए। हमें साइकिल और ये स्कूटी और ये लैपटॉप और स्मार्टफोन ये नहीं चाहिए। हमें इस काबिल कर दीजिए कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वयं सब कुछ खरीद सकें। पंजाब तहसीलदारां अते नायब तहसीलदारां दी पिछले 3 हफ्तियां तो हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के मद्देनज़र तहसील अमृतसर 1 अते अमृतसर 2 विच लोगों के रजिस्ट्रियां के काम नहीं हो रहे अते लोगों के दस्तावेज भी तस्दीक नहीं हो रहे, जिस कारण वसीका नवीसा अते लोगों नूं काफ़ी मुश्किल हो रही हैं। अमृतसर तहसील विखे वसीका नवीसा अते अपने काम कराने आए लोगों ने आख्या कि हड़ताल कारण उन्होंने काफ़ी मुश्किल हो रही है अते पंजाब सरकार नूं चाहिए है कि इस हड़ताल नूं छेती खत्म किया जाए। सर मुश्किल तो काफ़ी हो रही है, 20 दिन हो चले हड़ताल नूं, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, सरकार नूं भी हो रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही। अपॉइंटमेंट अगली फिर जी पिछली अपॉइंटमेंट है वो पैसे हम बेकार जा रहे हैं, जिहड़े कोई दूरों आ रहे हैं उन्होंने रेंट जां जो भी टिकट खर्च के आ रहे हैं वो भी बेकार हो रही है, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो रहा है, माली नुकसान काफ़ी हो रहा है, लोगों की मुश्किलें ज़्यादा ने, लेकिन सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है पता नहीं। हाँ जी हड़ताल खुली, जो हड़ताल खुलेगी तो कम करेंगे, लोगों की मुश्किलों हल करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जी, अज 21 दिन हो गए ने, जोड़ा तो माड़ा वसीका वो रोज़ कमा रोज़ खाँदा, उन्होंने 21 दिन हो गए आ, की ले जाएगा की खाएगा। और आम लोगों को इन्नी मुश्किल है, मैं हूँ की गल है कि मोगे तो एक पार्टी आई है, हाँ मोगे तो पार्टी आई है, तो उन्होंने एक बंदा ठीक नहीं सी, उन्होंने लै के आए स्पैशल, मतलब कि थोड़ा अपसैट सी, तो इतने आके उन्होंने पता लगा भी रजिस्ट्रिया बंद है, पता तो उन्होंने उत्थे सी, लेकिन वो कहते चलो शायद कोई पावर टाल नहीं को लिए, मैं कहा नहीं नोटरी नहीं चलती, तो अंदर तस्दीक होनी सब रजिस्ट्रार दे, वो बेचारे इन्नी दूरों फिर वापस उन्हें गए ने अजे वापस। एफीडेविट से तो महल साढ़े SDM साहब शुरू करते ने, शर्मा साहब ने बहुत नाइस मैन जड़े एफीडेविटा तो उन्होंने साइन शुरू करते हुए है, बिल्कुल खुलनी चाहिए है। वो इन्हें 400 के करीब वसीका नवीस ने, पब्लिक है इन्नी, पब्लिक खराब हो रही है रोज़ दे रोज़, कई टैलीफोन आ रहे हैं भी कदों आइए जी, कई स्टाम अपॉइंटमेंटा जीडिया ने अपॉइंटमेंटा का 500-500 रुपया वेस्ट जा रहा, जिन्हों को अपॉइंटमेंटा सी चुकिया हुई कंप्यूटर से। मुश्किल ने जोड़े बजुर्गों ने वसीता करनिया, वसीका की अपॉइंटमेंटा लीतिया, कल बजुर्ग मर जाएगा उन्होंने परिवार को एडा तगड़ा धक्का लगना है कि सरकार उन्होंने बारे कोई नहीं सोचेगी, वसीयत किस तरह कामयाब करनी। मुश्किल सब तो वही मुश्किल है, लोग बहरों आन के रजिस्ट्रियां करानियाँ वो फसे पे ने, ना वो जान जोगे ना आन जोगे ना ना हाँ साडा DC साहब SDM की ड्यूटी ला सकते हैं, DRO की ड्यूटी ला सकते हैं, लगनी चाहिए रजिस्ट्रिया करने वास्ते पब्लिक परेशान ना हो।
पूरे पंजाब दे विच नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जी हड़ताल है वह 20 दिन तो चल रही है। तो आने वाले दिनों हाले ये हड़ताल खुलन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सो वसीका निवेशां लोगों जिन्हें रजिस्ट्रियां करानी ने या वो लोग जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट तस्दीक कराना है उन्होंने काफ़ी मुश्किल आ रही ने। सो लोगों का और खासकर वसीका निवेशां ने सरकार तो मांग की है कि इन्हां नायब तहसीलदार और तहसीलदार दीआं मंगां नूं जल्द तो जल्द पूरियां कीतियां जाण तां कि हड़ताल खुल सके और लोगों को अपने तहसील काम करने आसानी हो सके। कैमरामैन राकेश कुमार संदीप चाल फास्ट न्यूज़ अमृतसर। वार्ड नंबर 11 बसंत नगर मजीठा रोड विखे सीवरेज लाइन की सफाई ले कौंसलर ममता दत्ता वालों सुपर सकर मशीन लगवाई गई। पिछले कुछ समय तो इस इलाके विच सीवरेज बंद की समस्या आ रही थी। इस मौके करमजीत सिंह केपी अजय हांडा तरसेम लाल SDO हरजिंदर सिंह तिलक राज बिक्रम सिंह आदि मौजूद सन। बसंत नगर के साढ़े इस सुपर सक्कर का जोड़ा अज इतने लगवाई है जिदे साढ़े इस एरिए जी सीवरेज की पानी की प्रॉब्लम है जो पानी गंदा आता जो सीवरेज ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक जी है वो सॉल्व होएगी। वार्ड नंबर 11 के सीवर की समस्या सी जिदे हाल वास्ते साढ़े कौंसलर ममता दत्ता जी ने सुपर सक्कर जी भेजी आ यदि पूर्ण तौर पर इस इलाके की जी सफाई जी कराने वास्ते उन्होंने आप पेन ली है। बीती देर शाम नूं गुरद्वारा बौली साहिब कॉम्पलैक्स नेड़ियों रेत वाली बोरी विच एक 5 साला लापता लड़की की लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत थाना श्री गोइंदवाल साहिब के SHO केवल सिंह ने लाश नूं अपने कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम करवाउण लई तरन तारण सिविल हस्पताल भेज दिता। परिवार के मैंबरां के बयान से अनपछाते व्यक्तियों खिलाफ़ कतल का मामला दर्ज किया गया है। इत्थे जिक्रयोग है कि कुछ दिन पहला गुरद्वारा बौली साहिब कोल एक 5 साल बच्ची लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई सी। मैं सीच गया उसका चेहरा वेख के वह बच्ची वेख के कि खूबसूरत तो बच्ची जिस दिन मैं वो फोटो वेखी तो अज उसका चेहरा नीला हो पाया है मतलब रेत दे विच कदों दी दबी आ मुश्क आ रही सी उहदे चों। मैं तां प्रशासन तो हजे भी मैं मंग करदा कि इन्हां मुलजमां नूं तुरंत फड़िया जाए फड़ के इन्हां नूं टंगिया जाए तां जो कि अगले बन्ने अगले अमली जो भी इत्थे कोई कार्रवाई हुई आ जिन्हें भी की आ उन्हां नूं गिरफ्तार करके वड्डी तो वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम देना चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जो भी उहदे विच हालात पाए जाते उहदे मुताबिक आपां अगों जिहड़ी है तफ्तीश कर रहे हैं। जिहड़े दोषी हैगे जी वो सानूं सिर्फ 3 दिन का समां दे दिओ 3 दिनों के दोषी जिहड़े आपां ट्रेस करके तुहाडे सामने कर दांगे। सेहत विभाग वालों मिली सूचना मुताबिक 7 दिसंबर नूं कोविड पॉजिटिव केसां दी गिनती रही 2 जिले च कुल एक्टिव केस हन 7। हुण वेला हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक दा ब्रेक तो बाद तुसीं देखोगे। अमृतसर तरन तारण खेमकरण DMU ट्रेन मुड़ शुरू होण नाल लोक खुश। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पास आ जाने जा पन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव मेरा
ਦਾ ਸਵੈਗ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। पिछले लंबे समय तो अमृतसर तरन तारण ते खेमकरन तक चलन वाली DMU रेल गड्डी करोना करके बंद पई सी, जिसनों 6 दिसंबर तो मुड़ चालू कर दिता गया है। इस मौके रेलवे स्टेशन तरन तारण ते लोगों ने आख्या कि रेल गड्डी शुरू होने नाल उन्हां नूं काफ़ी सहूलत मिली है अते इसका किराया भी बहुत घट है, जिस नाल आम नागरिकां नूं आना जाना सौखा हो गया है। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 9:50 ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਪਸੀ 12:40 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, 11:15 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11:30 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਟਿੰਕੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਅਤੇ PTE ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਐਮ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੋਮ ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵੇਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਔਰ PTE ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਚਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 777-8 ਚਾਹੀਦੇ ਆ PR ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6E ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7E ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਵੇਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਆਈਲਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵੇਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਲਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ 7 ਬੈਂਡ ਈਜ਼ੀ ਵਿਦ ਦਵੇਸਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਹੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਜੋਬ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਂਡ ਜੋਬ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਜੋਬ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਐਨਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਬੈਂਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। LDMs ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡੀਪੂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
मुलाजमान ने आख्या कि जे मंगा ना पूरियां होईयां तां आउण वाले समय विच मुख्यमंत्री दी कोठी दा किराओ कीता जावेगा। साडियां जो मंगा वा पिछले काफ़ी लंबे समय तो यह चल रही वा भी जिहड़े ठेके ते रखे गए कच्चे कामे आ उन्हां नूं पक्कियां कीता जावे। वख-वख तरहां दे असीं इन्हां नूं बेनतियां पत्र मंग पत्र दित्ते आ। पिछले दिन ही असीं 2-2 घंटे की जिहड़ी आ पूरे पंजाब दे विच बस अड्डे बंद कीते आ सरकार नूं चेतावनी देण वास्ते भई साडियां जिहड़ियां मंगां दा हल कीता जावे। जो असी अक के अज नहीं साडा इन्होंने कोई हल किया तो असी अज जिहड़ा स्ट्राइक के उत्ते बैठे हाँ पूरे पंजाब दे विच पंजाब रोडवेज और PRTC के जिन्ने मुलाजम अज स्ट्राइक के उत्ते आ और साडी जो लीडरशिप आ उन्हूं विच विश्वास दे लै के मीटिंग सद के जिहड़े मुलाजम पक्के कीते जाण ते असी अपना जिहड़ा वा ओह कामकार चलाइए। लैंडमार्क वालों इंटरनेशनल एक्सपो 10 दिसंबर शुक्रवार होटल बेस्ट वैसटर्न मैरियन विखे आयोजित किया जाएगा जिस विच कैनेडा USA सिंगापुर जर्मनी UK विच स्टडी लई विद्यार्थियों नूं जागरूक किया जाएगा। सो लैंडमार्क इमीग्रेशन एक बार फिर लैके आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो हुण ऐतकी 10 तरीक नूं अमृतसर होटल बेस्ट वैसटर्न मैरियन 11 दसंबर नूं जलंधर विच होटल बेस्ट वैसटर्न प्लस जिहड़ा कि पहला कंट्री इन दे नाम तों जाना जांदा सी 12 तरीक नूं होटल पार्क प्लाजा लुधियाना संडे नूं। सो बनो हिस्सा इस इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का जिथे तुहानू जानकारी मिल सकती है कैनेडा बारे UK बारे USA जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड बारे। सो जे तुसी बाहर जाके पढ़ना चाहते हो और अपना एक सुनहरा भविख वल देखते हो तो कोई भी प्रोसैसिंग फीस लैंडमार्क इमीग्रेशन वालों चार्ज नहीं की जा रही कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है एंड देर विल बी लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो ईमेल कर सकते हो सानू info@landmarkimmigration.com ते या कॉल कर सकते हो 90413 90412 इस एक्सपो का हिस्सा बनने लिए और सारियां नू उत्थे ही मिलते हैं ताकि तुहाडा जिहड़ा बाहर जाने का सुपना है वह पूरा हो सके। धन्यवाद। बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की धर्मपत्नी निर्जा बिरला ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकया अते अकाल पुरख के चरणों च हाजरी भरी। रैली अरोड़ा पंकज चोपड़ा निखिल गुप्ता भी उन्होंने नाल सन। श्री दुर्गयाना तीर्थ विखे शनि मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ किया गया और पंच अमृत स्नान कराए गए। श्री दुर्गयाना कमेटी के जनरल सकत्तर अरुण खन्ना मित्रपाल तलवाड़ राज वधवा राम गोपाल मल्होत्रा संजीव खन्ना विपिन चोपड़ा समेत कई लोग मौजूद सन। श्री सत्य साई सेवा समिति के सहयोग नाल अते माता आरती देवा जी के आशीर्वाद नाल अखां अते दंदां दे फ्री चैकअप कैंप 12 दसंबर सवेरे 10 बजे श्री आरती शिव दुर्गा मंदिर करतार नगर छियाटा विखे लगाया जाएगा। माता आरती देवा जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका सुरभि वर्मा उचेचे तौर पर भाग लैणगे। श्री आत्मानंद आश्रम विश्वनाथ मंदिर शंकराचार्य रूपनगर विखे सतगुरु देव जी महामंडलेश्वर स्वामी आत्मनंद गिरी जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सुंदरकांड के पाठ किए गए। महंत 108 स्वामी आत्मज्योति गिरी जी महंत 108 स्वामी आत्म प्रकाश आनंद गिरी जी बालकृष्ण शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। हम लोग संत समाज के ऋणी हैं। सदा ही संतों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ गली नंबर 3 गोपाल नगर विखे कथावाचक आचार्य श्री रजनीश कृष्ण जी महाराज ने कथा की। कई लोग इस मौके मौजूद सन। चिंता मत करो बाबा मैं कृष्ण को अभी जाऊंगा अभी घुमा करके ले जाऊंगा बोलो राम तो दाऊ जी से का चीज कर घुमा लो राम अवतार में राम जी लखन लाल जी को घुमाने जाते हैं और कृष्ण अवतार में बलराम जी कृष्ण जी को घुमाने जाते हैं।
ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।